हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। डीएलएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेसन से एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो बच्चे जुड़े रहिए हमारे डीएलएस एजुकेशन से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया होगा जिसमें से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो बच्चों, जुड़े रहिए हमारे डीएलएस एजुकेशन से और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रयोगात्मक समूह है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रयोगात्मक समूह है। तो बच्चों, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेकेंड नंबर एल्डिहाइड, थर्ड नंबर कीटोन और फोर्थ नंबर अल्कोहल। तो बच्चों, इन फोर ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। तो इसका आंसर है सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट, कीटोन। ब्यूटेनोन का जो चतुर कार्बन प्रयोगात्मक समूह है वो है कीटोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली में बाहर से काली हो रही है तो इसका उपयोग या इसका मतलब क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि यदि आप खाना बनाते समय जो आपकी बर्तन की तली से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि भोजन पूरी तरह से पक नहीं रही है, या फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आद्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों, अगर जब खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है जिसकी वजह से आपके बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आंसर बताया, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है बच्चों, कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, मेथेन है। मेथेन आपका हाइड्रोकार्बन है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है अगर हम बात करें तो बच्चों, CH4, ये मेथेन का फार्मूला है। और मेथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसे दलदल में पाया जाता है। जो हमारा मेथेन गैस होता है वो दलदल में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे हम मार्स गैस कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है क्या, आयनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या हैलोजन या फिर अम्लराज। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, आयनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन या फिर हैलोजन या फिर अम्लराज। जल्दी से आप हमें कमेंट करिए तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनाता है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितना परसेंट वायुमंडल में होता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका कमेंट बिल्कुल सही करेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.1%, 0.5%, 0.3% या 0.02%। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 0.01%, 0.05%, 0.03% या फिर 0.02%। जल्दी से आप कमेंट करिए कि इनका आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% होती है। एंड अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, कि नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत होती है, तो बेटा 78% होती है। ये अक्सर ये दो से तीन जो हमारे गैस है, ठीक है, एलिमेंट्स है, उसकी परसेंट वायुमंडल में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की फार्मूला के बाद बात कर रहा है। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला, एलिमेंट्स नेम या प्रोडक्ट टेबल याद है तो समझ लीजिए कि आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से याद करना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणु सूत्र की बात कर रहा है, क्या होगा जल्दी से आप बताइए। H2SO7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो बच्चों इनमें से कौन सा आंसर है जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो हमारा अणु सूत्र होता है वो H2SO4 होता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। बच्चों ध्यान समझिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा समूह होता है, CHO, COOH, CO या फिर NH2। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो भैया बच्चों आपको बता दिया जा रहा है कि जो इसका आंसर होगा वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह COOH होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एथोलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है कि एथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, एक सिग्मा एक पाई का आबंध है, या दो सिग्मा आबंध है, या फिर दो पाई का आबंध है, या फिर दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एथोलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, मतलब कि दो सिग्मा आबंध है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, एथेन की बात कर रहा है बच्चों कि एथेन में सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं कि एथेन में जो सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है, वो कितने होंगे, आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7 आबंध होते हैं। ठीक है, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका फार्मूला दिया हुआ है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। आपको बताना है कि किसका सामान्य सूत्र है, अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का या फिर प्रोपाइल का। जल्दी से आप कमेंट करिए अपने नाम के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि किसका ये सामान्य सूत्र है। तो बच्चों आपको बता दिया जा रहा है कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीला थोथा को हम एक नाम से और भी जानते हैं जिसको बोलते हैं तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नीला थोथा को तूतिया भी बोला जाता है, कभी कभी एक ही नेम देते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको दो नेम दोनों बता दिया ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जल्दी से आप बताइए, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, या फिर डॉट वाटर H2O कॉपर सल्फेट मतलब कि CuSO4.5H2O, या फिर सी नंबर की बात करें तो सी नंबर हमारा कह रहा है CuSO4.4H2O, डी नंबर CuSO4.10H2O। जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का। तो आपको बता दिया जा रहा है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CuSO4.5H2O नीला थोथा का फार्मूला होता है। इसलिए आप बिल्कुल भी सोचिए नहीं और इस फार्मूले को जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कितने, 1, 2, 3, 4 फोर ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना हो क्या। तो थर्ड नंबर बिल्कुल सही है, 3 आबंध होते हैं, 3 बंधन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों मैंने आपको बताया कि इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस जो आपका लेसन चल रहा है वो लेसन में ही आपका
फार्मूला से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको रासायनिक सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी रासायनिक सूत्र दे देता है, बोलता है कि ये किसका सूत्र है, तो इसलिए आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आपको रासायनिक सूत्र याद करने हैं। तो चलिए बताते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। CaCO3 MgHCO3 का होल ट्वाइज, CaHOCO3 का होल ट्वाइज, MgCO3 का होल ट्वाइज क्या होगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों आपको बता दिया जा रहा है कि CaCO3 बिल्कुल सही आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर हम आपसे पूछते तो आप शायद बता देते कि CaCO3 होगा, लेकिन इस नेम से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका फॉर्मूला, इसलिए आपको कॉमन नेम के साथ रासायनिक नेम दोनों याद करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बच्चों चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, चीनी को सुगर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 या फिर CH3CHO। जल्दी से आप हमें कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको बता दिया जा रहा है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C12H22O11 ये हमारा चीनी का सूत्र है, C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का सूत्र आपको, दोनों का मिल गया, ग्लूकोज का भी और चीनी का भी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 या NaCl। जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, Na2CO3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा या फिर COCl2 द्वारा। जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CO द्वारा, कार्बोनिल समूह को CO द्वारा, ओके, CO द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। बच्चों इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करिए, CH3COOH, C2H5OH या फिर थर्ड नंबर पे अगर हम आते हैं C2H6OH या C2H2OH। जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो जल्दी से आप मुझे बताइए, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C2H5OH, C2H5 एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, CH4, C2HO4, C6H6 या फिर C3H8। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C6H6, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर। इस तरीके से मैंने आपको 19 क्वेश्चंस बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, CH4, C2H6, C3H4, C3H8। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका C3H4, C3H4 हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा, इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा और 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं और आपको एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों हमारे डीएलएस एजुकेशन से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए इस वीडियो को ताकि उन सभी को ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक यू।